नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल वेस्ट ड्रीम इलेवन में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग में सेकंड मैच का, जो कि आपका पुनरी पलटन और गुजरात फॉर्चून जायंट्स के बीच खेला जाने वाला है। दोस्तों, फर्स्ट मैच का वीडियो दबंग दिल्ली और दोस्तों हरियाणा स्टेटस का मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों, मैं आपको देने वाला हूँ दोनों टीमों का स्टार्टिंग सेवन, जो कि पुनरी पलटन गुजरात फॉर्चून जायंट्स का होने वाला है। और साथ साथ दोस्तों, मैं आपको कुछ कैप्टन मैच करने के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों, आप मेरा वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत स्किप करना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ दोस्तों, आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। और साथ साथ दोस्तों, मैं आपको दो से तीन ड्रीम इलेवन टीम बताऊंगा, ताकि उसके हिसाब से आप एक बेहतर टीम बना सको या फिर आप मेरे टीम के हिसाब से जा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों का स्टार्टिंग सेवन के बारे में। दोस्तों, पुनरी पलटन का हो सकता है दोस्तों नितिन तोमर, इनका हमेशा मेन रेडर रहा है दोस्तों, और इस बार भी मेन रेडर यही रहेंगे नितिन तोमर। संदीप नरवाल जो कि राइट कॉर्नर पे खेल रहे दोस्तों, अभी तक इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है दोस्तों। राजेश मंडल फिर से टीम में इनको लाया जा चुका है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया जो रेडर खेल रहे हैं। उनके बाद जी वी मोरे, रवि कुमार, गिरीश मार्तेनक और अक्षय यादव दोस्तों एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं टीम में, इन्होंने भी अभी तक बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इनमें सेफ प्लेयर का। तो मुझे लगा दोस्तों इनमें से सभी सेफ प्लेयर होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप किन्हीं को ले लेना आपके लिए सबसे सेफ रहने वाला दोस्तों। पुनरी पलटन का जो अभी तक टीम रहा है दोस्तों, बहुत मुझे बेहतरीन टीम अभी तक दिख रही है। वहीं बात कर लीजिए दोस्तों गुजरात फॉर्चून जायंट्स की, तो दोस्तों इसमें सभी प्लेयर जो दोस्तों है वो सभी यंग टैलेंट दोस्तों, इसमें किसी भी मतलब कोई भी आपको नहीं दिखेगा प्लेयर जो कि दोस्तों पहले से खेलता, मतलब जो पिछले सीजन से जो खेलते हैं दोस्तों वही प्लेयर दोस्तों इन्होंने पिक किया है। और इनका पूरी तरह से दोस्तों यंग टीम है और बहुत अच्छा अभी तक मुझे लगा है इनका टीम अभी तक प्रदर्शन कर रही है और दोस्तों आगे भी कर पाएगी। भले ही पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ता दोस्तों, बट इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका कैप्टन है वो दोस्तों राइट कवर खेलते हैं सुनील कुमार। सचिन तनवर इनके मेन रेडर है, बट दोस्तों पिछले साल के मुकाबले दोस्तों अभी उतना फॉर्म में अच्छे नहीं दिख पाए। उनके बाद ऋतुराज कुरावी जो कि दोस्तों फर्स्ट मैच में इन्होंने बहुत बढ़िया दोस्तों टैकल किए थे, उनके बाद अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए। उनके बाद सचिन विट्ठला, प्रवेश भैसवाल, रोहित गुलिया और के प्रपंचन दोस्तों, यहाँ मुझे दो प्लेयर इसके लग रहे हैं दोस्तों, वो होंगे आपका रोहित गुलिया, सचिन विट्ठला दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में से कोई एक खेलेगा या फिर अगर ये दोनों खेलते हैं दोस्तों, तो रोहित गुलिया एज ए रेडर खेलेंगे टीम में और सचिन विट्ठला आपको लेफ्ट कॉर्नर खेलते दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये हो सकता है इनका स्टार्टिंग सेवन दोस्तों, आपको सेकंड रेडर रोल में दिख जाएंगे के प्रपंचन या मेन रेडर आपका हो जाएगा सचिन तनवर दोस्तों। इन ये दो काफ़ी अच्छे रेडर हैं, आप इन्हें जरूर से जरूर अपने टीम में पिक करने का कोशिश करिएगा। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों से, देखते हैं दोस्तों हम किस तरह से ड्रीम इलेवन टीम बना सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये तो वीडियो अभी तक अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, देखते हैं ड्रीम इलेवन टीम किस तरह से होने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ फिर से आपको तीन टीम देने वाला हूँ, जो टीम आपको दोस्तों पसंद आए उसके हिसाब से आप कुछ कॉम्बिनेशन चेंजेस करके दोस्तों अपने हिसाब से लगा सकते हो। जो मैं आपको सेफ प्लेयर बताऊंगा उसी प्लेयर को आप दोस्तों अपने टीम में पिक करना, अदर प्लेयर को दोस्तों मत पिक करना, कि दोस्तों अदर प्लेयर रिस्की रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट टीम किस तरह से बनने वाला है। यहाँ दोस्तों मैंने तीन डिफेंडर को पिक किया दोस्तों, जो सुनील कुमार, गिरीश मारुति रनक और ऋतुराज कुरावी रहने वाले हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ से ऋतुराज कुरावी को नहीं पिक करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ से आपको कुछ क्रेडिट मैनेज करके उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से रवि कुमार को पिक करना होगा, या फिर आप ऋतुराज कुरावी के साथ ही जाओ, आप सेकंड में दोस्तों रवि कुमार को पिक कर लेना। यही बात करिए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से मैंने संदीप नरवाल को पिक किया, मैं बता दूँ यहाँ रोहित गुरी आपके लिए थोड़ा रिस्क है, बट आप इनमें रिस्क ले सकते हैं। उनके बाद यहाँ से बता दूँ दोस्तों इनमें से कोई नहीं खेलने वाले हैं। यहाँ मैंने संदीप जूनियर पे थोड़ा रिस्क है दोस्तों, क्योंकि ये पिछले कुछ मैचेस खेलते आ रहे दोस्तों, पिछले कुछ मैचेस इन्हें बाहर बैठाया जा रहा है, तो हो सके दोस्तों इस मैच में ये बाहर बैठ जाए। यहीं रेडिंग सेक्शन की बात करिए दोस्तों, यहाँ से मैंने नितिन तोमर, के प्रपंचन और यहाँ से अक्षय यादव को पिक किया दोस्तों। आपको देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ की मैंने सचिन तनवर को दोस्तों मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों मुझे क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा था। अगर आपको यहाँ से दोस्तों क्रेडिट मैनेज करना, तो आपको यहाँ से संदीप नरवाल को हटाकर आपको रोहित गुलिया पे रिस्क लेना होगा दोस्तों। उनके बाद यहाँ रेडिंग सेक्शन आपके प्रबंधन के जगह पे सचिन तनवर को इस तरह से आप पिक कर लेना, जो आपको दोस्तों कॉम्बिनेशन बेहतर लगे आप उसके हिसाब जा सकते हैं, बट मैं यहाँ संदीप नरवाल को ही पिक करने वाला हूँ। सेकंड टीम में आपको बताऊंगा दोस्तों, इसलिए पहले इस टीम को देख लेते हैं। यहाँ मैंने कैप्टन रखा नितिन तोमर, वाइस कैप्टन गिरीश मारुति अरनाक। तो दोस्तों अगर यहाँ मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बता दूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन रखना, क्योंकि दोस्तों सभी का लक अलग अलग होता है, सभी का किसी दिन किसी का लक बहुत बढ़िया होता है दोस्तों, किसी दिन किसी का लक बहुत खराब होता है। चलिए बात करें दोस्तों सेकंड टीम का, तो सेंकर टीम में आपने देखना होगा दोस्तों कि यहाँ से मैंने सुनील कुमार, गिरीश मार्तेनक और रवि कुमार को पिक किया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने संदीप जूनियर पे एक रिस्क लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये खेलने वाले हैं, बट ये थोड़ा रिस्की है दोस्तों, इसलिए मैंने पिक किया हूँ। अगर आप चाहें तो इन्हें छोड़ सकते हैं, बट मैं चाहता था दोस्तों कि मुझे तीन बेस्ट डिफेंडर मिल जाए और तीन दोस्तों बेस्ट रेडर मिल जाए, इसलिए मैंने पिक किया हूँ दोस्तों। आप चाहे तो संदीप जूनियर को नहीं पिक कर लेना, या फिर आप चाहे तो यहाँ से रोहित गुलिया को पिक कर लेना, और यहाँ से दोस्तों आप अक्षय यादव को या फिर के प्रपंचन को किसी तरह से पिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा, इसमें आप देख सकते हैं मैंने कैप्टन रखा नितिन तोमर, वाइस कैप्टन सचिन तनवर, ये मुझे सबसे बेहतरीन टीम लगा था। तो इसमें मैं बता दूँ कुछ चेंजेस आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ दोस्तों आप देख लेंगे यहाँ डिफेंडर सेक्शन में आपको यहाँ से सुनील कुमार को हटाकर आप प्रवेश भैसवाल को पिक कर लेना, और यहाँ से दोस्तों आप
रेडिंग डिपार्टमेंट है, आप यहाँ से जीवी मोरे को ड्रॉप करके आप यहाँ साक्षीदास यादव को पिक कर लेना यहाँ से। उसके बाद दोस्तों फिर भी दोस्तों आपको थोड़ा क्रेडिट मैनेज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से ऋतुराज को रावी के ले लो, प्रवेश भैंसवाल को हटाकर वहाँ उनके बाद दोस्तों यहाँ से आप रोहित गुलिया को पिक कर लो दोस्तों। तो इस तरह से आपका एक टीम बन सकता है दोस्तों। यहाँ से हो सके तो अक्षय यादव को भी आप ड्रॉप कर किसी बेस्ट ट्रेडर को पिक कर लो। यहाँ से आप थोड़ा महेंद्र राजपूत पर, ये मेरा सेफ ग्रैंड लीग के लिए टीम हो गया दोस्तों, जो कि आपको बहुत बेहतरीन लग रहा है ग्रैंड लीग के लिए। आप इसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो या फिर आप स्मॉल लीग में दोस्तों इसे मत ट्राई करना कि दोस्तों ये टीम रिस्की, क्योंकि इसमें रोहित गुलिया रिस्की है, महेंद्र राजपूत रिस्की है। इसलिए दोस्तों आप इन्हें मत, अगर ये दोनों खेलेंगे दोस्तों अगर अच्छा प्रदर्शन कर गए तो आपका ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा आपका रैंक आ सकता है दोस्तों। आप थर्ड टीम आप देख सकते हो कि हाँ मैंने क्या किया, यहाँ फिर से मेरा वो तीन डिफेंडर रहने वाले हैं दोस्तों, उनके बाद रोहित गुलिया, इन पर भी मैंने रिस्क लिया। यहाँ फिर देख सकते हो सचिन कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा सेम है, सिर्फ यहाँ से मैंने अक्षय यादव को पिक किया, वो भी जीवी मोरे के जगह पे दोस्तों। ये रहा मेरा सेकंड टीम, मुझे सबसे बेस्ट दोस्तों यही टीम लग रहा है क्योंकि इसमें मुझे तीन बेस्ट रेडर मिल जा रहे हैं और दोस्तों तीन बेस्ट डिफेंडर थे दोस्तों। आप चाहे तो आप थर्ड टीम के साथ जाओ या फिर आप फर्स्ट टीम जा लो दोस्तों। सेकंड टीम में आपका वो स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए टीम दोस्तों, आप उन्हें ग्रैंड लीग में अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके दोस्तों इन्हें ग्रैंड लीग के लिए आप टीम बना सकते हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, अगर दोस्तों ये वीडियो तक पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब दे दो, क्योंकि दोस्तों मैं पूरा सीजन आपको प्रो कबड्डी का जो मैचेज है उस सभी का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, साथ साथ दोस्तों मैं क्रिकेट का भी वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों। अभी तक आपको अच्छा लगा दोस्तों जल्दी से जल्दी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। धन्यवाद।